नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जारी हैं। मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा पहलुओं पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं शहर में 5-स्टार होटलों को बनाने के लिए 100 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि कुछ सालों तक यहाँ पर के होटल भी नहीं हुआ करते थे। राम मंदिर बनकर तैयार होने के बाद से अयोध्या में पर्यटन सेक्टर को बूम मिलने वाला है। इस नए साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके बाद मंदिर आम लोगों के लिए भी खुल जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा अयोध्या शाही परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार का इतिहास राजा दर्शन सिंह के समय का है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 19वीं सदी में शहर पर शासन किया था। शहर में बिमलेंद्र को लोग राजा साहब के तौर पर जानते हैं। वो राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, जो मंदिर के निर्माण की देखरेख भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अयोध्या में अब खुशी का माहौल है। अस्थायी मंदिर जो बन रहा है, छुट्टियों के दिन मंगलवार को या किसी अन्य त्योहार को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। अयोध्या में कभी ढंग के होटल नहीं होते थे और अब यहाँ 5-स्टार होटल खोलने के लिए 100 से ज्यादा आवेदन आए। मजिस्ट्रेट ने ये क्लियर किया। मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या के राजा ने बताया कि शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 5 साल में लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि शहर देखने भी आएंगे। अयोध्या देश की सर्वोत्तम पवित्र नगरी के रूप में जानी जाएगी। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शहर को नया एयरपोर्ट मिल रहा है और रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जा रहा है। अयोध्या शहर में हो रहे चौतरफा विकास को लेकर अधिकारियों का कहना है कि माता सीता ने अपना श्राप अब वापस ले लिया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम ने अफवाहों के चलते सीता को शहर से बाहर निकाल दिया था, तो उन्होंने अयोध्या को श्राप दिया। कई लोगों का मानना है कि इसी श्राप की वजह से कभी अयोध्या में तेज गति से विकास नहीं हुआ। बताया जा रहा है, भगवान राम की 51 इंच ऊंची मूर्ति और 5 साल पुराने रामलला को दर्शाती है। इनको 3 डिजाइनों में से चुना गया है, जिनमें सबसे अच्छी दिव्यता होगी और उसका स्वरूप बच्चों जैसा होगा, उसे चुना जाएगा। राय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र का वर्णन करते हुए कहा है कि पूरे ढांचे के निर्माण में कुल 21 या 22 लाख घन फीट पत्थर का उपयोग किया गया है। इतने बड़े पत्थर की संरचना पिछले 100-200 वर्षों में भी उत्तर या दक्षिण भारत में कभी भी नहीं की गई। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।